20 जुलाई यानी आज का दिन इतिहास में खास महत्व रखता है। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज के दिन 1954 में एंग्लो पुर्तगाल संधि के तहत पुर्तगाल इंग्लैंड के अधीन हुआ था और आज ही के दिन 1761 में माधवराव प्रथम पेशवा बने थे। 20 जुलाई 1885 में फुटबॉल खेलना ब्रिटेन में वैध किया गया था और आज ही के दिन 1930 में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बाजार में उतारी थी। 20 जुलाई 1929 में हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1956 में फ्रांस ने ट्यूनेशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया था। 20 जुलाई 1969 में अमेरिकी खगोल शास्त्री नील आर्मस्ट्रांग और बज अलेद्रन चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 20 जुलाई 1972 में फिल्म अभिनेत्री गीता दत्त की मृत्यु हुई थी और आज ही के दिन 1993 में वर्जीनिया में व्हाइट हाउस के उप सलाहकार विंस फोस्टर ने आत्महत्या की थी। और आज ही के दिन 2005 में कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति दी गई और वह ऐसा करने वाला चौथा देश बना था। और आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 2019 में राजनीतिज्ञ शीला दीक्षित का निधन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।